हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज भी खिचड़ी की तैयारी करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनता है खिचड़ी। तो तैयारी जोरों पे है, क्या बना रहे हैं अब आप? आज खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। ओके, खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सब्जी वाली खिचड़ी। हाँ, तो ये देख रहे हैं बड़े बड़े पीसेस इन्होंने काट लिया है। आलू का पीस, ये आलू और गोभी जो है ना, अपने बड़े बड़े किस्में काट, इसको फ्राई करना है आपको। हाँ, इसको मुझे अच्छे से फ्राई करना है। और इधर आपने रखा है आलू, ये बॉयल आलू है। हाँ, मैंने आलू बॉयल किया हुआ है, मेरा चार आलू है और टमाटर लिया है हमने। टमाटर भी है और मटर है। हाँ, तो ये इधर चोखा भी बनने वाला है। सब्जी फ्राई करके गैस खिचड़ी में डलेगा। राइट, तो ये गैस ऑन हो गया है, तो गर्म होने दें इसको। हाँ, तो कढ़ाई गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद ये आलू और गोभी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको जो भी ऑयल पसंद है उसमें आप बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा तेल डाल रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ जीरा। ये है जीरा, थोड़ा सा हींग। ठीक है, देखिए जीरा और हींग इसमें डल गया है। अभी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें डालने वाला है। एक मिर्च डाल दूँ मैं। ओके, मिर्च भी डालना है। एक मिर्च डालूँगी। एक मिर्च डाला है इन्होंने, सूखी मिर्च है। हाँ, एक सूखी मिर्च है। आज फुल्ली सपोर्ट हो रहा है मैडम को, जो हमारा चैनल देखते हैं दिल्ली NCR। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सोनाली गुंजन ब्लॉग को। ओके, आपका ये पक गया है, अब इसमें डाल देती हूँ गोभी आलू। ओके, गोभी आलू डल गया है, गोभी आलू पक गया था। और ये चम्मच हमने नमक डालो और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ओके, तो ये आपका लगभग फ्राई हो गया है। हाँ, ये फ्राई हो गया है, थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगी। अब जो मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कवर इसको कवर कर दूँगी। बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे लगता है पक गया है। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करती हूँ। तो मसाला ऐड किया, धनिया पाउडर है, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने घर में ही तैयार किया है। ये मसाला जब ये खिचड़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी, मैं फिर हमें डालना है इसे। अच्छा कलर आ गया, अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। इसको कवर करके गैस ऑफ कर देती हूँ। एक ग्लास चावल लिया है, इसको मैं डाल देती हूँ खिचड़ी के लिए। एक ग्लास चावल हमने लिया है, उसमें से आधा ग्लास मैं दाल डालूँगी। आधा ग्लास दाल डालने के बाद अच्छा खिचड़ी बनता है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। यानी जितना चावल हो उसका आधा डाल। आधा, हाँ, ठीक, अच्छा बनता है। तो पहले खिचड़ी की तैयारी हो रही है, काली उड़द की दाल। काली उड़द की दाल है ये, और ये हम अक्सर सैटरडे को ही डालते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं, क्योंकि मुझे ये छिलके वाली दाल इतना अच्छा नहीं लगता है उड़द की, तो इसलिए हमें खिचड़ी में तो ज़रूरी डालना चाहिए इसे, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ फिर मूंग की दाल, उड़द की धुली हुई दाल है जिसको हम उसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये भी लूँगी मैं, ये आधा ग्लास ये दाल है हमारा। तो कुल मिला के तीन तरह के दाल मिक्स हुआ है इसमें। और आपकी मर्जी है तो आप जितना भी दाल डालना हो डालिए, अरहर हो, चना हो, मसूर हो, जो दाल हमें पसंद है, इस वजह से हमने इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसको भिगो देना है मुझे। गैस ऑन करती हूँ मैं, सेम कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ आलू का चोखा बनाने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ जैसे मस्टर्ड ऑयल, तेल, ऐसा हींग हमने इसमें डाल दिया है। जीरा पक गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। मेरा चार आलू हमने लिया है, गोभी आलू मेरा फ्राई हो गया है, चार आलू हमने लिया है। और टमाटर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर में भी डाल देते हैं, थोड़ा खट्टापन आए। और
थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें डालती हूँ हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बच्चे फिर खाएंगे नहीं। इसमें डाल दी मैं आधी मटर डाल दी हूँ और आधी मुझे खिचड़ी के लिए रखी है। हम इसे कवर कर देती हूँ, टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। कवर हटा लेती हूँ मैं। टमाटर देखिए मेरा अच्छे से गल गया है। टमाटर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गल के थोड़ा सा हो गया ये। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ एक दो मिनट तक। टमाटर अच्छे से फ्राई होने के बाद आलू डालूंगी मैं। थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इसमें अदरक कद्दूकस करके। थोड़ा सा अदरक डाल दिया हमने। अब मैं डाल देती हूँ आलू। अब इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ। मुझे आलू को भी टमाटर और मटर तो अच्छे से पक गया है और तो कलर बहुत अच्छा आया है, देखने से लग रहा है टेस्टी बनने वाला है यार। और चोखा बनके मेरा रेडी है। खोल भी मैं निकाल लेती हूँ इसको। बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी हमारा कैसा लगा। और इसके पहले भी हमने ऐसे डाला है, प्लस पानी डाला हमने। ये दो ग्लास और आधा ग्लास से ज़्यादा पानी और है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। डाल रही हूँ मटर। मटर मैं अभी डाल देती हूँ। देखिए हमारा ये टमाटर को काटा नहीं आपने? नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं, अपने आप कट जाएगा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, एक बड़ा चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। एक सीटी मुझे इसमें लगाना है। खिचड़ी बनके तैयार है और 10 मिनट लगा था पकने में इसे। तड़के के लिए जीरा और हींग यूज किया है इन्होंने। तेल हमारा गर्म हो गया है। खिचड़ी बनके तैयार है, पानी भी ठीक ठाक है। आप चाहें तो अलग से पानी डाल सकते हैं और पतला कर सकते हैं। यूज करना है बिल्कुल, लेकिन हम लोग ऐसे ही खाते हैं तो बिल्कुल अभी काफ़ी अच्छा है। गरम गरम काफ़ी टेस्टी लगेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक। ओके, ये कच्चा अदरक डाल रहे हैं आप? हाँ। ओके, ये सब्जी जो बना के रखा था इन्होंने आलू गोभी का, मिर्ची निकाल ये इसमें मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती की गार्निशिंग करूँगी। धनिया पत्ती ऊपर से डाल रही हूँ मैं। बनके तैयार है खिचड़ी, चोखा, दही और ये पापड़ और ये अचार के ऊपर घी भी दिख रहा होगा आपको। तो ये सारी कंप्लीट है। बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेसिपी, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगता है, हम लोग तो बड़े चाव से खाते हैं और प्रायः हर सैटरडे को हमारे घर में बनता है खिचड़ी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।